वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अब हमें जरा सा काम, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होगी भाई हमारी टेक्निकल टीम की. वी हैव टू स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस. मुझे पता है वक्त कम है, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दीजिएगा. हमारे साथ मौजूद हैं द विनिंग कॉम्बिनेशन. ये वो टीम है जनाबे अली जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई है एट द साउथ एशियन गेम्स इन टाइकोंडो और जबरदस्त हमारे लिए मेडल्स भी लेके आई है. सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस इनसे. हमारे साथ मौजूद हैं कामरान कुरैशी साहब जो कि इस टीम के कोच हैं. हमारे साथ हैं शाहजेब खान, रब नवाज एंड हारून तरीन. अस्सलाम वालेकुम भाई. यू मेड अस ऑल प्राउड. सबसे पहले तो कामरान साहब मुझे बताइए, बिकॉज इनकी माशाल्लाह ये देखिए जी, इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास जिसमें बताया गया है कि इन्होंने कौन कौन से मेडल्स लिए हैं. सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल एंड रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान वर्ल्ड ओवर. ट्रूली पीपल हु हैव अ पैशन फॉर टाइकोंडो. कामरान साहब, कब से ये आपके साथ ट्रेन कर रहे हैं और इन नादर जवाहरात को आपने कहाँ से ढूंढा? एक्चुअली बेसिकली ये नेशनल कैंप में है, इस्लामाबाद में होते हैं. ओके. और वहाँ पर अपने अपने बेसिकली ये डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो ये बेसिकली अब पाकिस्तान की टीम है जो साउथ एशियन के लिए जा रही थी करीबन कुछ ही महीने से. हमारे पास वहाँ कैंप लगा हुआ था इस्लामाबाद में. जितन वसीम हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो बेसिकली इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं. और उसके साथ साथ तो ये तीनों बेसिकली अपने बारे में मजीद डिटेल खुद देंगे, क्योंकि साउथ एशियन गेम्स के तीनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं. और मजीद आपको अच्छा बल्कि आप बताती भी चलूं, हमारे साथ शाहजेब जो मौजूद हैं. शाहजेब का 10 साल का एक्सपीरियंस है एट द टाइकोंडो ओलंपिक गेम की. बहुत सारी ये गोल्ड मेडल्स इन्होंने लिया है. अभी जो साउथ एशियन गेम्स 2019 नेपाल में हुआ, इसके अलावा 18th एशियन गेम्स इंडोनेशिया में भी इन्होंने शायद गोल्ड मेडल लिया है. ब्रॉन्ज मेडल 9 लिए हैं. शाहजेब जबरदस्त, मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ टाइकोंडो में? ताइक्वांडो में इंटरेस्ट दोस्तों को देख के, मुझसे पहले मेरे जो कलीग्स थे, दोस्त थे, वो खेला करते थे, तो मुझे भी काफ़ी शौक था मार्शल आर्ट्स का. सही. तो ताइक्वांडो बाद में पता चला जब आने में. तो ताइक्वांडो नाम की भी एक गेम होती है, तो ज़ाहिर है किसी को पता नहीं होता है. जब आया मैं खेलना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया बाहर की तरफ और अपने मुल्क के लिए मेडल लाया, तो मेरे लिए फखर एहसास की बात है. जबरदस्त. और रब नवाज के लिए भी आपको बताते चले, ही इज अ कोरियन एम्बेसडर नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने जी सिल्वर मेडल लिया. इसके अलावा नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड लिया, नेशनल गेम्स 2019 में गोल्ड लिया. और ये माशाल्लाह इसी तरह सिलसिला जारी है. बहुत सारा गोल्ड हो गया, 90,000 तोले पे भी पहुंच गया. तुम तो बड़े अमीर भी हो गए हो यार. कैसे इंटरेस्ट आपका भी हुआ और ये 10 इतने सालों की जो जर्नी रही है, इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट किसकी थी? जी, सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो हमारे पेरेंट्स की है, जिन्होंने हमें बैकअप किया और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया. और उसके साथ हमारे टीचर्स जो हैं, उनकी मेहनत है, क्योंकि उनकी ही सारी जो काविश है, उनकी ही मेहनत है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम अपने मुल्क जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके नाम रोशन करने के लिए. सारे गोल्ड मेडल्स हैं, ये तुमने लॉकर में रखे या घर में रखे? जी, घर में ही रखे. घर में ही रखे. जरा पता करें जी इनका घर किधर है. अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हारून तरीन. इनकी भी बहुत सारी जबरदस्त पार्टिसिपेशंस हैं. 2019, 2018 ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, इसके अलावा आजरबाईजान, अगेन अ लॉट ऑफ ईरान, इवन 12 साउथ एशियन गेम्स इंडिया में भी आपने पार्टिसिपेट किया था और स्टेलर परफॉर्मेंस रही है. अरुण, आप यहाँ पे जिक्र हो रहा था मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का और उसका, आप किस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल टीम? ओके. और मुझे ये बताएं कि आप सबका ताल्लुक कौन कौन से इलाकों से है पाकिस्तान के? बेसिकली मैं बलूचिस्तान से हूँ और मेरे साथ रब नवाज है, लाहौर से ताल्लुक. आप लाहौर से हो और आप? मैं भी बलूचिस्तान से. आप बलूचिस्तान से? अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर बात की जाती है कि पाकिस्तान के तमाम अलग अलग सहूलतों के लेवल्स हैं, यानी कहीं बहुत ज्यादा वसायल है, कहीं कम है. आपको, आपके लिए जब नेशनल गेम्स तक आप पहुंचे तो आपको फर्क लगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क था जब नेशनल लेवल पे आए तो, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लब लेवल पे जो खेलते हैं, ग्रास रूट कैंप भी आए, तो जो क्लब लेवल का जो लेवल था और जो नेशनल का काफ़ी डिफरेंट है. नेशनल लेवल पे आके हमें जो ना पता चला जैसे पॉलिश हो गया, और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गए तो और भी ज्यादा हमें जो है ना चेंजेस आ गई. जबरदस्त. तो ये और ड्राइव भी आती है, फिर वो हंगर भी होती है. कामरान साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी कि जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला, मुख्तलिफ इलाकों से ये रॉ टैलेंट पहुंचता है, रॉ तो नहीं होता है, अपने जर्नी कम्प्लीट करके ये वहां पे पहुंचे होते हैं, लेकिन एक नेक्स्ट पड़ाव होता है, इन पे कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस होता है आप लोगों? बेसिकली जो हम ये हर प्रोविंस का, लाइक जैसे अभी ये बता रहे हैं बलूचिस्तान के हैं लोग, बलूचिस्तान से दो और ये लाहौर,
तो बलूचिस्तान में बेसिकली आपको पता है जो हालात हैं, जो ट्रैवल एरिया है, तो वहाँ पर काफी थोड़ा सा मेहनत करती है, डबल स्ट्रगल होती है, डबल स्ट्रगल होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और लेकिन क्योंकि इनके जो क्लब्स हैं, जो यहाँ से वहाँ ट्रेनिंग करके ऑब्वियसली आए होते हैं, और फिर ये लोग जो डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग कर, उसके बाद ये नेशनल कैंप्स में आते हैं, तो इनके पास जो हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो फिजिकल, बेसिकली इनको फिजिकली ट्रेनिंग देते हैं। और ऑब्वियसली इतना अरसा ये लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और जो बेसिकली जो विनर होते हैं, जो बेसिकली अपने आप को परफॉर्म करते हैं, वही नॉर्मली यहाँ आते हैं, और आज ये लोग बैठे हुए हैं सीट पे। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस भी मेरे ख्याल में बहुत गेन होता है, जहाँ आप लोगों की फिजिकल फिटनेस हो रही होती है वहाँ इमोशंस को मैनेज करना, फेलियर अगर है या कोई सेटबैक है या कोई चोट लगी है, उससे अपने आप को रिकवर करना, रिकवरी टाइम भी तो आप लोगों का फास्ट हो जाता होगा ना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं रबनवाज, आपको पर्सनली क्या लगता है कि कभी कोई सेटबैक होता है या ऐसा लगे कि कोई फाइट हाथ से निकल रही है, तो उस वक्त जहन में क्या चल रहा होता है? जहन में तो असल में तो फोकस यही होता है कि उसको विन करने का होता है, तो हार और जीत जो है वो भी एक गेम का हिस्सा है, तो उसको भी, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो यही है कि आप उसको भी एक्सेप्ट करें, लेकिन वो जो हार है वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो मजीद मोटिवेट करती है, मजीद उसमें आप प्रिपेयर करते हो खुद को, और मजीद जो है उससे सीखते हो, और मजीद उसमें कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत जो है उसको और भी बढ़ा देते हो। अरुण, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के इतने ममालिक में रिप्रेजेंटेशन की है, किसी मुल्क में या किसी फाइट से पहले जब ज्यादा डर लगा हो या ज्यादा प्रेशर लिया हो, ऐसा कभी हुआ है? मैं फर्स्ट टाइम इंडिया में साउथ एशियन गेम्स खेलने गया था, सही, तो उस पे वहाँ पे थोड़ी सी घबराहट हुई थी, तो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आगे जाते हुए मतलब रिंग में अभी जाते हैं, तो एक्सपीरियंस की वजह से तो अब कोई वो नहीं होता कि रिंग की वजह से हम डर गए या कुछ और हो गया, तो अब इस तरह अब नहीं होता। बेसिकली स्टार्टिंग में होता है थोड़ा सा कि आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है कि यार आपको लगता है कि हाँ पता नहीं मुझे साथ क्या होगा फाइट में, और इंडिया जैसा ममालिक आपको पता है वो हमारे अपने भी जहन में भी एक परसेप्शन होती है ना इंडिया की, हालांकि वहाँ पे भी आपके बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, दोस्तियां भी होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है, बट देयर इज अ इम्प्रेशन। आखिरी सवाल मैं शाहजेब आपसे करना चाहूंगी, जैसे आज भी आप लोगों ने ट्रैक सूट पहना हुआ है, पाकिस्तान का झंडा या जब ग्रीन जैकेट पहनी होती है उसकी क्या फीलिंग होती है? वो जब आप पाकिस्तान कलर पहन के बाहर जाते हो तो जाहिर सी बात है सबकी नजरें आपके ऊपर होती है, तो मतलब वो एक अलग सा मकाम होता है, और जब आप मेडल लेते हो आपका फ्लैग ऊपर जा रहा होता है, तो मैं अल्फाज नहीं है मेरे साथ बोलने के, मतलब उस टाइम बंदा बड़ा कंट्रोल करता है अपने आंसू रोकना, और जब आपका नेशनल एंथम बज रहा होता है तो आपको फील होता है कि आपने भी कंट्रीब्यूट किया है अपने मुल्क का नाम रोशन करने में, उसके प्रोडक्शन को सर बुलंद करने में। थैंक यू सो मच शाहजेब, रबनवाज एंड हारून फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच कामरान साहब फॉर ब्रिंगिंग देम हियर। मैंने जब तक एथलीट से, हमारे चैंपियन से बात की, उन सबका फेवरेट मोमेंट वही होता है जब हमारा कौमी तराना बजाया जाता है, जब हमारा परचम ऊंचा हो और वो अपना मेडल रिसीव कर रहे हो। आई थिंक दोज आर द मोमेंट्स दैट यू लिव फॉर। अल्लाह ताला इसी तरह इनको कामयाबियां दें। इसी के साथ बढ़ते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।